For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जैसा कि हम आपसे हर बार ही कहते हैं कि हर एक टीवी शो का शुक्रवार का और सोमवार का एपिसोड होता है खास। शुक्रवार को छोड़ते हैं डेली सोप्स में सस्पेंस और सोमवार को होता है वो सस्पेंस सबके सामने रिपीट, और इसलिए इन दोनों एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे दर्शक हेल एक्साइटेड रहते हैं। इस बार भी जब 30 अगस्त को टेलीकास्ट होगा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का शानदार एपिसोड, तो आप इस एपिसोड को बहुत एंजॉय करने वाली हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड के अंदर एक बड़ा फैसला लेना होगा नायरा को, बिकॉज दादी ने तो ये फैसला ले लिया है कि वो कायरव को अपने घर से कहीं नहीं जाने देंगी। और वहीं नायरा को भी गुस्सा आ गया है कि ऐसे कैसे उसके बेटे को कोई भी उससे दूर कर सकता है। कार्तिक भी इस समय थोड़े एग्रेशन में है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, और घर के अंदर यानी कि गोयनका विला के अंदर बार बार वेदिका और कार्तिक को एक साथ देख कर तो नायरा मर नहीं सकती है, इसलिए उसे वेदिका कार्तिक की जिंदगी से दूर जाना ही होगा, और बिना कायरव के तो नायरा जी भी नहीं सकती है। अब हम आपको बता देते हैं कि नक्श से होगी नायरा की बातचीत, और फिर अपने भाई से नायरा मांगेगी मदद और कहेगी उससे कि मुझे कैसे भी कर अपने कायरव को अपने पास लाना होगा। शुक्रवार के एपिसोड में आप देखेंगे वो महाधमाका जिसमें नायरा करेगी अपने हक की मांग। नायरा अपने बच्चे को इन सब से दूर ले जाने का फैसला करेगी, जहां पर नायरा ये भी कहेगी कि आप चाहें तो कभी कभी कायरव से मिल सकते हैं, लेकिन वो मेरे घर में मेरे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आप कर रहे हैं इसमें नायरा का सपोर्ट या फिर आपको लगता है कि नायरा गलत है। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।